सोमवार की सुबह गंडक बराज के 4 नंबर फाटक में गेंडे के फंसे होने की खबर से वन कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वन कर्मियों के साथ गंडक बराज के 1 नंबर फाटक पर तैनात एसएसबी जवानों के साथ साथ गंडक बराज के कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए और गेंडे को बचाने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी गई। लेकिन घंटों गंडक नदी में तैरते रहने से गेंडे की हालत बिगड़ने लगी, लेकिन फिर भी काफ़ी कठिनाई होने के बाद भी VTR के जवानों ने गेंडे को सुरक्षित नदी से बचा ही लिया। आपको बता दें कि VTR से नेपाल स्थित चितवन जंगल लगा हुआ है, जहां हाथी हिरण सहित गेंडा भी पाया जाता है। भारी वर्षा से नदी के किनारे भूस्खलन होता रहता है और इसी भूस्खलन के चपेट में आकर जानवर नदी में गिर जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। पश्चिमी चंपारण ब्यूरो के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।